गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ यंग 22 ईयर ओल्ड न्यू कमर इन बॉलीवुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म के रिलीज से दो दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हो रहा है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले। मुझे अच्छे से याद है मेरे सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत इन्जॉय किया, ऑलरेडी देख लिया, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोष का रोल बहुत अच्छा किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूँ कि रो। इट्स द वर्स्ट नाइटमेयर एंड आई थिंक दैट दिस इज द वर्स्ट थिंग विच कैन एवर हैपन टू एनी प्रोड्यूसर, अ फिल्म मेकर एंड एन एक्टर। इट्स लाइक अ मर्डर, आई वुड से मोर देन अ मर्डर। इतनी यू नो वी मेक अ फिल्म विद लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इतनी मेहनत से बनती है, इतने साल लगे, आई वुडंट से 2 years बट आई वुड से फॉर पास्ट 13 years, बिकॉज मस्ती इज नॉट अ स्मॉल फिल्म, इट्स द बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज ऑफ बॉलीवुड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। लॉट ऑफ पीपल एंड एवरीबडी इवन इन द ऑडियंस हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म and this is what has happened to us. हमको हर चीज में, जब से हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, हर चीज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा डे वन से। सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी, पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज हुई 15 तारीख को। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि एक हफ्ते पहले आना, फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म की एक हफ्ते बाद रिलीज हो रही है, इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए, इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर, हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, दिस सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे, सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज़्यादा रेज था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सबने बहुत तारीफ करी, सर चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी, हर कोई इतना ज़्यादा क्यूरियस था। नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई एंड प्रमोशंस, रिलीज, हर चीज़ को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वो इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए। मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से, not only as an actor, as a part of great brand Masti, but on the behalf of entire Bollywood, ki hamare saath ho gaya hai, aage future mein kisi filmmaker, kisi producer, kisi actor ke saath ye cheez kabhi nahi honi chahiye. Stop the piracy, it is the worst thing which can ever happen, and in the end I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Indra Kumar. My producers, amazing people, Ashok Takeria, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hiranandani, and my most talented, my actors, Ritesh Vivek and Aftab. And so that's what I want to say, that we need to stop this, and this is such a big issue. हमारे साथ हो गए, आगे फ्यूचर में कभी किसके साथ ना हो, एंड वी नीड टू एक्ट अपॉन इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज सच अ मेजर थिंग विच इज हैपेंड। थैंक यू गाइज।